उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए ताबातोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन अमेठी में उस नीति का ना तो कोई असर है और ना ही भ्रष्टाचारियों को कोई डर है। जिले में कई लेखपाल तो बिजली विभाग का जेल तो कहीं पंचायत विभाग के कर्मी ये सब खुलेआम जनता को लूट रहे हैं। इस मामले में RTO कर्मी एक नंबर पर चल रहे हैं। इस महंगाई के दौर क्लरिकल ग्रेड का वेतन पाने वाले क्रेटा जैसी महंगाई गाड़ियों से बाबूगिरी अपने दफ्तर आते हैं। पीड़ितों के हर काम में अड़ंगा लगाने वाले ये भ्रष्टाचारी धन लाभ पाते ही अड़ंगा समाप्त का अलार्म बजाते हैं, फिर काम होने लगता है। आज इसी की वानगी में अमेठी RTO कार्यालय के बाबू विवेक सिंह ने कार्यालय में काम कराने आए व्यक्ति को अपने दो अन्य बाबुओं के साथ कार्यालय के अंदर ही जमकर पीटा। पीटा हुआ व्यक्ति किसी तरह दबंग बाबू से छुटकारा पाया तो बाहर निकल भागा और बाहर रहे अपने अन्य साथियों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर जमकर हंगामा किया। हंगामा पड़ता देख दबंग बाबू की हेकड़ी गुम हो गई तो पुलिस को सूचना दी गई। ताज्जुब तो यह है कि कार्यालय में बाबू ने फरियादी को पीटा और ARTO अपने कक्ष में बैठे फोन पर लगे रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। उन्हें प्रकरण की जानकारी तब हुई जब फरियादी साथियों के साथ परिसर के अंदर हंगामा करने लगा। सूचना पर SP अमेठी दिनेश सिंह और CO भारी पुलिस फोर्स के साथ ARTO कार्यालय पहुंचे। तब कहीं जाकर हंगामा करने वाले भागे। हंगामा के दौरान परिसर में खड़ी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। फिलहाल कार्यालय और परिसर के बाहर बैठे इनके कमाऊपू जो दलाल के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका गठजोड़ बहुत पुराना व तगड़ा है। यह चोर चोर मोसेरे भाई हैं। बिना बाहरी दलालों के बाबुओं की कमाई नहीं बनती है और यह जो मारपीट कार्यालय के अंदर हुई वो इसी का परिणाम है। सरकार जब तक हर काम के लिए सिटीजन चार्टर नहीं लागू करेगी भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग सकेगा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप मथुरा आप सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एंसर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।